सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ योगा वेलनेस पर। आज हम कुछ ऐसे चुनिंदा चार योगासन का अभ्यास सीखेंगे जो कि आपके लीवर, किडनी, पैंक्रियास और थायराइड, इन चारों अंगों पर एक साथ काम करेंगे और इसके साथ साथ पेट से जुड़ी सारी समस्याएं भी आपकी ठीक हो जाएंगी। अगर ये हमारे अंग ठीक से काम करते हैं तो आपको फैटी लीवर है या फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की या हार्ट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है तो ये सारी समस्याएं कभी नहीं होंगी। आपका पाचन दुरुस्त रहेगा और इन अंगों को ठीक करने के साथ साथ ये योगासन आपके पूरे शरीर से फैट को कम करने में भी आपकी मदद करेंगे। और आज के जो आसन है वो ऐसे है कि उन्हें जो शुरुआती है वो भी कर सकते हैं और जो अभ्यासी है वो तो उनको आसानी से कर ही सकते हैं। कहने का मतलब है कि हर कोई इन अभ्यासों को कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत भारी भारी या कठिन अभ्यास करें तभी आपके शरीर को लाभ मिलेगा। आप आसान से योगासन करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज के योगाभ्यास हम करेंगे जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। योगासन करते जाएंगे साथ साथ में मैं उनके बेनिफिट्स भी आपको बताती जाऊंगी। तो आज का हमारा पहला अभ्यास है मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन आपने सुना होगा डायबिटीज के लिए और पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए तो रामबाण की तरह काम करता है और साथ ही हमारे जितने भी प्रजनन अंग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स है उनके लिए भी काफी इफेक्टिव है और किडनी की भी कार्य क्षमता बढ़ाता है। कैसे करेंगे? आसन में हम बैठे हुए हैं, अपने अंगूठे को अंदर रखें और मुट्ठी को इस तरीके से बंद कर लें। जो अंगूठे वाला हिस्सा है वो आपके पेट पर लगाया जाएगा। एक हाथ अपना नाभि के इस तरफ रखें और दूसरा हाथ नाभि की दूसरी तरफ रखें और सांस लें और सांस छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ जाना है। जितना आप झुक पाए नाभि पे आप अच्छा दबाव डालेंगे, आगे जाए, फॉरवर्ड बेंड 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 और सामने देखें। जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकें, जबरदस्ती अपने शरीर के साथ कोई ना करे और सांसों को बाहर ही रोक के रखना है। जब आपको लगे कि आप होल्ड नहीं कर सकते तो सांस लेते हुए वापस आ जाएं। शुरू में आप 5 सेकंड 10 सेकंड रुक पाएंगे, धीरे धीरे अपनी रुकने की क्षमता को बढ़ा दें क्योंकि जब तक आप किसी आसन में रुकेंगे नहीं तो उसका लाभ आपको मिलेगा नहीं। इस आसन को आप 3 से 5 बार दोहराएं, 15 से 30 सेकंड रुकने का प्रयास करें। जिनके घुटनों में दर्द है वो इस आसन को वज्रासन में ना करके अपना सुखासन में बैठ के करें। आलती पालती की पोजीशन में बैठ जाएं या किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी मुट्ठियों को बनाया, नाभि के इधर उधर रखा, सांस ली, सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। जितना भी आप झुक पाए सामने की तरफ देखते रहे, रुके और जब लगे कि सांस नहीं रोक सकते तो सांस लेते हुए वापस आ जाए। बस अपनी मुट्ठी से आपको नाभि के आसपास अच्छा दबाव बनाना है। तो ये उनके लिए जिनके घुटनों में दर्द रहता है। दूसरा आसन करेंगे वक्रासन का अभ्यास जो कि एक स्पाइनल ट्विस्टिंग पोज है। हमें अपनी कमर को मोड़ना है। इससे क्या होगा, आपके पेट में जितने भी अंग है एब्डोमिनल एरिया में उनकी काफी अच्छे से मालिश होती है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। वक्रासन डायबिटीज के लिए तो अच्छा है ही, आपके लीवर को डिटॉक्स करता है, शरीर में जमा जितनी भी पुरानी गंदगी है उसको बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। इंटेस्टाइन पे इसका काफी अच्छा असर आता है। कैसे करेंगे, अपने दंडासन में बैठे हुए हैं, सीधे पैर को इस तरीके से मोड़ा, अपनी चेस्ट के पास लेके आए, सीधा पैर मोड़ा है तो सीधा हाथ ही पीछे रख देंगे और अपना जो उल्टा हाथ है उसे सांस लेते हुए ऊपर लेके जाए और फिर उल्टे हाथ को अपने सीधे घुटने के पास इस तरीके से लेके आए और अपने एंकल को पकड़ ले और सांस लें, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ देखें। दूसरा पैर जो सीधा है उसको अपनी तरफ खींच के रखें, ऐसे ढीला ना छोड़े और पीछे की तरफ जितना ट्विस्ट कर सकते हैं, अपनी कमर को मोड़ सकते हैं मोड़े,
जो आपका हाथ पीछे की तरफ है सीधा हाथ, उसके कंधे को देखने की कोशिश करें। 15 से 30 सेकंड आराम से रुके रहें, रुकने के दौरान सामान्य सांसें लेते रहेंगे और जब वापस आना हो तो सांस लेते हुए वापस आ जाएं, दोनों हाथों को रिलीज कर दें। इसी तरीके से इसे दूसरे पैर पर भी दोहराना है। अपने उल्टे पैर को मोड़ लिया हमने, उल्टे हाथ को पीछे रख दिया, सीधे हाथ को सांस लेते हुए ऊपर लेके गए और फिर सांस छोड़ते हुए अपने एंकल को ग्रैब किया उल्टे पैर के, एक सांस लें और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ अपने उल्टे हाथ के कंधे को देखने की कोशिश करें। यहीं पर बने रहे, जितना अपने पेट को कमर को मोड़ सकते हैं मोड़े, सामान्य सांसें लेते और छोड़ते रहेंगे और जब लगे कि अब आपसे रुका नहीं जाएगा तो सांस लेते हुए वापस आ जाएं, हाथों और पैरों को रिलीज कर दें। ये हुआ है वक्रासन का अभ्यास, ये एक अभ्यास माना जाएगा। इसी तरीके से 3 से 5 बार आप अभ्यास करें 15 से 30 सेकंड के होल्ड के साथ। याद रखें, अगर होल्ड नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा अभ्यास है हमारा सेतु बंद सर्वांगासन। ये एक आसन ऐसा है जो आपके शरीर के सारे अंगों को लाभ देता है और थायराइड के लिए तो ये रामबाण की तरह काम करता है। बाकी आपके हिप्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, सबके लिए अच्छा है क्योंकि इसमें चेस्ट ओपन होती है हमारी, तो हार्ट और लंग्स पे भी काफी अच्छा काम करता है। हमारा जो है थायराइड है वो कंप्रेस होती है तो थायराइड के लिए रामबाण माना जाता है। पेट से जुड़ी सारी समस्याएं, कब्ज, गैस, एसिडिटी के लिए ये काफी लाभदायक है और आपके रिप्रोडक्टिव अंगों के लिए भी काफी अच्छा है। कैसे करेंगे, कमर के बल लेट गए हैं, इस तरीके से अपने पैरों को घुटनों से मोड़ लिया है, पैर अपने हिप्स के पास ले आए हैं, हाथ अपने हिप्स के बराबर में रख दें, सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर उठाएं, उठाते जाएं जितना आप उठा पाए और फिर अपने हाथों को इंटरलॉक कर लें इस तरीके से और अच्छे से अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएं, हिप्स मसल को टाइट रखें, जो आपकी चेस्ट है वो आपकी चिन से मिल जाएगी और आपके गले पे काफी अच्छा प्रेशर आना चाहिए, चेस्ट आपकी बिल्कुल ओपन और सांस सामान्य लेते और छोड़ते रहें। इस स्थिति में 15 से 30 सेकंड रुके, शुरू में 5 सेकंड, फिर धीरे धीरे अपना समय बढ़ाते जाएं और सांस छोड़ते हुए आप वापस आ जाएं, हाथों को रिलीज कर दें। ये हुआ सेतु बंद सर्वांगासन का अभ्यास। इस आसन को अगर आप रोज करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फैटी लीवर, डायबिटीज, थायराइड, पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, हार्ट से जुड़ी समस्याएं ये कभी भी नहीं होंगी। ये एक आसन अपने आप में ही संपूर्ण है। इसके बाद हम करेंगे चौथा आसन पवन मुक्तासन, जो कि पेट से जुड़ी सारी समस्याओं के लिए कब्ज, गैस, एसिडिटी में काफी लाभदायक है और सेतु बंद सर्वांगासन का वो काउंटर पोज भी है। कैसे करेंगे, लेटे हुए हैं इसी तरीके से कमर के बल, अपने पैरों को घुटनों से मोड़ा हुआ है, पैरों को पास लेके आए अपनी चेस्ट के, अपने दोनों हाथों से इंटरलॉक कर लें, अपने जो पंजे हैं उन्हें बाहर की तरफ फैला दें, एक सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपनी चीन को अपने घुटनों के पास लाएंगे इस तरीके से। जितना आप ला पाए अपनी सामर्थ्य के अनुसार उतना लाएं और यहाँ बने रहें। जो आपकी थाइज है, जांग है, उनसे अपने पेट पर अच्छा दबाव बनाएं और सामान्य सांसें लेते और छोड़ते रहें और सांस लेते हुए वापस आ जाएं। ये पवन मुक्तासन का अभ्यास। अगर आप पवन मुक्तासन डेली प्रैक्टिस करते हैं तो गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याएं आपको कभी भी नहीं होंगी। तो ये है आज का अभ्यास। अगर ये 4 आसन आप नियमित तौर पर लगातार करते हैं, 21 दिन तक कम से कम इनका अभ्यास करें, तो आप देखेंगे कि आपको शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक लाभ भी प्राप्त होंगे, आपको
चिंता दूर होगी, तनाव दूर होगा और आपको जो आलस से पूरे दिन भरे रहते हैं वो आलस दूर होगा, आपके शरीर में एक फुर्ती आ जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया, पेट से जुड़ी समस्याएं, लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम, किसी को भूख नहीं लगती है या ज्यादा भूख लगती है, लीवर ठीक से काम करेगा, किडनी से जुड़ी समस्याएं नहीं होंगी, लंग्स आपके हेल्दी होंगे, हार्ट हेल्दी होगा और थायराइड को क्योर करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।